एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो कि खास उसके लिए आयोजित किया जा रहा था। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही देर दूर पर जहाज उड़ाता कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूरन बस विवश है। जहाज उतरा और बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि मेरा एक एक मिनट काफ़ी कीमती है और होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना भी जरूरी है। पास खड़े यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर साहब, आप जहां पहुंचना चाहते हो टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया, फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। ना उम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा और इस तूफान में गनीमत वह गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, अंदर जो भी है वह दरवाज़ा आ जाए, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता का पाठ कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराए और बोले, बेटा कौन सा फ़ोन, या न बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी, खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा ताकि आगे की यात्रा में आपको कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद दिया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाट में खोई थी कि उसकी नज़र एक बच्चा कम्बल में लपेट पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला रही थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की भी कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है, बस एक प्रार्थना और उससे मांग रही हूँ, शायद वह भी उसे स्वीकार कर लेगा। डॉक्टर ने बोला, माँ जी, कौन सी प्रार्थना? बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, ये मेरा पोता है, ना तो इसकी माँ जिंदा है और ना ही इसका बाप, इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते, इसका उपचार केवल एक ही नाम व डॉक्टर के पास है। उसका क्या नाम बताया? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, पटनायक, वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन बुढ़िया ने कहा, मैं इस डॉक्टर तक कहाँ पहुँच सकती हूँ, लेकर जाऊँ तो पता नहीं वह देखने पर राजी हो या नहीं। अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसू की धारा भर गई। वह भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माँ जी, आपकी प्रार्थना ने मुझे हवाई जहाज से नीचे उतार दिया, आसमान में बिजलियाँ करवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक चला आऊँ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए आप इस प्रकार भी सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह अपने भक्तों के लिए जब प्राणी असहाय हो जाता है तब प्रभु की कृपा शुरू होती है। और कैसे उस डॉक्टर पटनायक ने उस बीमार बच्चे का इलाज कर दिया। तो दोस्तों, भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता।